मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया एम्स्टर्डम जहां जम के ठंड पड़ रही थी और वैसे भी फरवरी के मंथ में यूरोप की मोस्ट जगहों पर ठंड या बर्फ काफी पड़ती है, लेकिन हमने चुना वेलेंसिया को क्योंकि वहां का मौसम फेब मंथ में काफी अच्छा हो जाता है, दिन में धूप और शाम को हल्की सी ठंडक। अगर पिछला वीडियो आपने मिस किया तो उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एम्स्टर्डम के बाद हम निकले वेलेंसिया की तरफ, जो मैड्रिड और बार्सिलोना के बाद स्पेन की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। एम्स्टर्डम से वेलेंसिया की टिकट हमें मिली 6000 रुपए में हमारे चेक इन लगेज के साथ। बिना लगेज के रिटर्न फ्लाइट का प्राइस 6 से 7 हजार है। चांसेस वैसे तो उससे सस्ती मिलने के भी हैं, लेकिन बस महीने भर एडवांस में चेक करते रहें। लगेज अगर आपको साथ ले जाना है तो टिकट की कीमत लगभग डबल हो जाती है। एयरपोर्ट से हमारे अपार्टमेंट जाने के लिए हमने मेट्रो ली, जिसका रिटर्न पास हमें मिला करीब 4.5 यूरोस का। मेट्रो से निकलने के बाद हम 1 किलोमीटर चलकर अपने अपार्टमेंट पहुंच गए। यूरोप में अक्सर ऐसे अपार्टमेंट्स के ओनर आपको डोर का लॉक कोड बता देते हैं, जिससे यूज करके आप अपने आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ कभी कभी तो ह्यूमन इंटरेक्शन ना के बराबर होता है और कई बार ये फेवरेबल भी होता है, क्योंकि हर बार होस्ट को अच्छी इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे अपार्टमेंट की होस्ट के साथ हुई। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हम थोड़ा बहुत बात करने में कामयाब रहे। स्पेन में ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं जानते, इसलिए यहाँ आने पर गूगल ट्रांसलेटर का काफी यूज होगा। हमारे अपार्टमेंट में 2 बेडरूम, 1 सिटिंग रूम, 1 ओपन किचन थी। इसके अलावा बाकी सब जरूरी सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कुकवेयर एक्सेट्रा भी थे। ये अपार्टमेंट वेलेंसिया की फेमस सेंट्रल मार्केट से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर था। इसके अलावा आसपास काफी रेस्टोरेंट भी थे। लंच के लिए अपार्टमेंट के पास ही हम एक रेस्टोरेंट में खाने आ गए, जहां मैंने स्पेगेटी अग्ली ओलियो ऑर्डर किया। वेजिटेरियन लोग खाना ऑर्डर करते हुए जरूर बोलें कि नो मीट नो फ्लैश इन द फूड, या स्पैनिश में कोमिदा वेजिटेरियाना या सिन कार्ने जरूर बोल दें। इसका मतलब है वेजिटेरियन फूड या नो मीट नो फ्लैश फूड। पर मील की कीमत करीब 8 से 9 यूरोज आई, जिसमें एक मेन डिश, एक ड्रिंक और एक डेजर्ट शामिल थी। खाने के बाद हम गए सुपरमार्केट ताकि अपार्टमेंट में ब्रेकफास्ट बनाने का इंतजाम हो सके। सुपरमार्केट भी हमारे अपार्टमेंट से कुछ 300 मीटर की दूरी पर ही थी। हमने ब्रेड, दूध, अंडे, एवोकाडो, बटर, बिस्किट्स एक्सेट्रा लिया, जिसकी कीमत टोटल 10 यूरो आई। यहाँ पीने के लिए टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हमने पानी की बॉटल्स भी सुपरमार्केट से ही ले ली। 5 लीटर की एक वाटर बॉटल की कीमत करीब 2 यूरोस है। दूध की 1 लीटर बॉटल का प्राइस 1.5 से 2 यूरो के बीच था।
इसके बाद हम वेलेंसिया में ऐसे ही टहलने के लिए निकल पड़े। इस तरह के वाटर फाउंटेन आपको कहीं भी मिल जाएंगे जिनका पानी पीने लायक होता है। वेलेंसिया में इस तरह की कई शॉप्स दिखी। ये खामोन इबेरिको है जो एक तरह का क्योर्ड हैम है जो स्पेन और पोर्चुगल में प्रोड्यूस किया जाता है। इसे कई मंथ्स तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। स्पेन की काफी फेमस डिश है पाइला जो मेनली सी फूड और राइस से बनाई जाती है। वेलेंसिया में भी कई रेस्टोरेंट हैं जो डिलीशियस पाइला सर्व करते हैं। इन्हीं में से एक ला रिवा में हम पाइला ट्राई करने गए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पाइला खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। ये रात के 10 बजे खुला और जब हम अंदर गए तो मालूम चला कि यहाँ बिना रिजर्वेशन के आप नहीं जा सकते, सो हमें वापस बाहर आना पड़ा। पूछताछ ज्यादा हम कर नहीं पाए क्योंकि बिजी रेस्टोरेंट होने के कारण वहां का स्टाफ हमें एंटरटेन नहीं कर सका। अगले दिन सबसे पहले हम वेलेंसिया कैथीड्रल गए जो हमारे अपार्टमेंट से 700 मीटर की दूरी पर था। वेलेंसिया कैथीड्रल को 13th और 15th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। इसे सेंट मैरी कैथीड्रल भी कहा जाता है क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन काफी समय तक चला, इसलिए इसमें अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो ये था मेरी सीरीज का दूसरा वीडियो। तीसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगी वेलेंसिया में हम और कहां कहां घूमने गए और स्पेन की फेमस डिश पाइला कहां खाई। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।